माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ग्रीन चिली चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मजे की बनती है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ग्रीन चिली चटनी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने एक पाव के करीब तीखी वाली सब्ज़ मिर्ची ली हैं, दो कच्चे आम लिए हैं, 15 से 20 लहसुन की कलियां ली हैं, एक चम्मच ज़ीरा, नमक हम टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, और 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं मिर्चों को बारीक बारीक कट कर लूँगी और आम के छिलके उतार के इसको भी कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आम और मिर्चों को कट करके रख लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम पैन में डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन को 4 मिनट तक हमने फ्राई किया। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाह। और इसको भी हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मिर्चों को भी हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इनमें फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की तीखी इसकी स्मेल आ रही है। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये ठंडा हो गया है तो इसको हम मिक्सर में डाल के मोटा मोटा पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अब हमारी ग्रीन चिली चटनी बन गई है। ये देखें, बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे के साथ खा सकते हैं। ये देखें, बहुत ही स्पाइसी ये चटनी बनती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।